हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा था कि मैंने प्रोडक्शन मेथड आपको सिखाया था. प्रोडक्शन मीन्स वैल्यू एडेड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. टुडे अवर टॉपिक इज इनकम मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. जैसे मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज क्या है इन सब में. इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है नोइंग इट्स फर्स्ट स्टेप. जैसे आपको याद होगा, प्रोडक्शन मेथड में हमने देखा था कि सबसे पहला स्टेप है जीडीपी एमपी निकालने का. जो कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस करके. मगर दैट वाज द प्रीवियस टॉपिक. अब हमारा ये टॉपिक है इनकम मेथड. इनकम मेथड का मतलब क्या हो गया कि देश में जितनी भी इनकम अर्न हो रही है हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा. मैंने आपको बताया था नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या है. जितनी भी इनकम अर्न हो रही है हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा एक साल के अंदर, अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, फाइनेंशियल ईयर के अंदर, उन सबको हमें ऐड करना है. तो जैसे इनकम मेथड हम स्टार्ट करते हैं, तो जैसे मैंने आपको पहले भी अभी बताया थोड़ी देर पहले कि हमें सबसे पहले देखना है कि इनकम मेथड में सबसे पहला स्टेप क्या है. जैसे प्रोडक्शन मेथड में जीडीपी एट एमपी था, इनकम मेथड में पहला स्टेप है हमारा एनडीपीएफ. इट मींस मैंने आपको बताया था तीनों मेथड जो है, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड, तीनों का रस्तों का जो टारगेट है, जो मंजिल है, वो सिर्फ एक है, दैट इज नेशनल इनकम, जिसको हम कहते हैं एनएनपीएफसी. हमें प्रोडक्शन मेथड से पहले हम जीडीपी एट एमपी निकालते थे, फिर जीएनपीएफसी निकालते थे, फिर एनडीपीएफसी निकालते थे, फिर जाके एनएनपी एट एफसी निकालते थे. अब यहां पर हमारा सीधा हम एनडीपीएफसी निकालेंगे, जिसका दूसरा नाम हम जानते हैं, जिसको हम कहते हैं डोमेस्टिक इनकम. मीन्स इसका फर्स्ट स्टेप ही सीधा डोमेस्टिक इनकम है. जो निकलेगा कैसे, आप जरा गौर करिए इन चीजों को. फर्स्ट पॉइंट, हमें ये बात ध्यान रखनी है कि इसमें तीन मेन पॉइंट है. एनडीपीएफसी को कैलकुलेट करने के लिए तीन पॉइंट आते हैं. सबसे पहला पॉइंट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज. कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, वॉट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज होता क्या है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का मतलब होता है कि जब कोई एम्प्लॉय कहीं एम्प्लॉयर के पास नौकरी करता है, किसी संस्था में नौकरी करता है, उसको बदले में क्या रिवॉर्ड मिल रहा है, उसकी जो उसकी ड्यूटीज को असाइन की गई है, बदले में उसको क्या रिवॉर्ड मिल रहा है. देखिए, ध्यान रखिएगा कि अगर कोई कहीं किसी संस्था में नौकरी कर रहा है तो जरूरी नहीं है उसको बदले में सिर्फ वेजेस या सैलरीज ही मिले. उसको बदले में ऐसा नहीं है सैलरी सिर्फ कैश में ही मिले. बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, जैसे मान के चलिए कोई एक वर्कर है, कोई एक एम्प्लॉय है, जिसको मालिक ने फ्लैट भी दे रखा है, एक गाड़ी भी दे रखी है, अलग से पेट्रोल भी उसको देते हैं, अलग से बहुत सी फैसिलिटी दे रखी है, जैसे प्रोविडेंट फंड उसका कट रहा हो. तो हमें ये सारी चीज ध्यान में रखनी है कि बदले में हमें अपना काम करने के बाद, मेहनत करने के बाद, कहीं नौकरी करने के बाद, बदले में जो भी चीज मिल रही है उस संस्था के थ्रू, उस संस्था के द्वारा, वो सारी चीज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज. देखो कितना सिंपल है. मगर हम फॉर्मूले में क्या क्या चीज लिखते हैं ध्यान में रखिएगा. देखो एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे, हम सबसे पहले न्यूमेरिकल करते समय देखेंगे कि क्या उसमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दे रखा है या नहीं दे रखा. अगर दे रखा है तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम उसका फिगर नोट डाउन कर लेंगे. जस्ट इन केस अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज नहीं दे रखा तो हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज बनाना पड़ेगा. कैसे हम बनाएंगे जरा देखिए. कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज अगर नहीं दे रखा होगा तो सबसे पहले हमें दे रखा होगा वेजेस एंड सैलरी. That can be in cash and kind. वैसे basically 99% cash में दे रखी होती है सारी चीजें. अगर सिर्फ wages and salaries दे रखा होगा तो उन सबका total दे रखा होगा. वैसे ज्यादातर केस में wages and salaries ही आपको numerical में दे रखी होगी. तो सबसे पहला point हो गया wages and salaries. दूसरा, employers contribution to social security स्कीम. देखिए सबसे पहला पॉइंट होगा वेजेस एंड सैलरीज. दूसरा, मैंने अभी आपको बताया था उसका ग्रेच्युटी फंड कट रहा है, उसका पीएफ फंड कट रहा है, जितने भी ये फंड होते हैं ये मालिकों के द्वारा अगर दिए गए हैं. देखिए गौर करिए, इसमें लिखा हुआ है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम. अगर मालिक ने उसको दिए हैं ये चीजें, देन इट इज अ पार्ट ऑफ कंपनसेशन एम्प्लॉयज. कभी कभी ऐसा होता है
कोई नौकरी पेशे करने वाले लोग अपने आप अपना पीएफ कटवाने लग जाते हैं, योजनाएं होती हैं अपने पैसों से ही अपना पीएफ कटवाने लग जाते हैं, तो वहां लिखा रहता है इंप्लॉयज कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या है, कंट्रीब्यूशन किसके द्वारा किया गया है, कंट्रीब्यूशन इज देयर बाय इंप्लॉयज देमसेल्फ, मगर यहां पर इंप्लॉयज कंट्रीब्यूशन इसका मतलब क्या है, इंप्लॉयर के द्वारा जो संस्था का मालिक है उसके द्वारा एक स्कीम निकाली गई है जिसके अंतर्गत उनको पीएफ फंड या ग्रेच्युटी फंड या बहुत से जितने भी अन्य फंड होते हैं वो सब उसके द्वारा कटवाए गए हैं। देन इसका मतलब हो गया इट इज अ पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो यहाँ हो जाता है हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज फिनिश। देन सेकंड पॉइंट, ये सबको टोटल एड कर, सेकंड पॉइंट इज ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या होता है ऑपरेटिंग सरप्लस में, देखिए ध्यान रखिएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस जितनी भी संस्था में हम अपनी इनकम अर्न कर रहे हैं, जैसे कोई भी अपनी लैंड किसी ने किराए पे दे रखी है, दैट इज उसको मिलेगा रेंट, जैसे हमने पहले ही पढ़ा था, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, जो कैपिटल हम कभी कभी अपना पैसा लगा लेते हैं या कोई भी व्यक्ति अपना पैसा कहीं लगा रहा है तो उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, बेसिकली तीन चीजों को मिलाकर ऑपरेटिंग सरप्लस बनता है, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। रेंट के साथ साथ रॉयल्टी भी कभी कभी ऐड हो जाता है, मैं लिखता हूं फिर मैं आपको बारीकी से बताऊंगा। ये आ गया रेंट एंड रॉयल्टी, ये अलग अलग भी दिया जा सकता है और साथ में भी दिया जा सकता है, रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। देखिए कितना सिंपल है, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, सबका नाम हमने सुन रखा है, सब हम जानते हैं बेसिकली होता क्या है, रेंट मीन्स किराया होता है, इंटरेस्ट मीन्स ब्याज होता है और प्रॉफिट मीन्स मुनाफा होता है। बहुत से बच्चे अब सोच रहे होंगे हमने रॉयल्टी का नाम नहीं सुना, ये बेसिकली रॉयल्टी होती क्या है, एक सिंपल से मैं आपको भाई ज्यादा मैं फोकस डीप में जा नहीं सकता क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, रॉयल्टी का मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। रॉयल्टी मीन्स होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जानते हैं कि टी सीरीज जो कंपनी है वो गुलशन कुमार के द्वारा बनाई गई थी, गुलशन कुमार जो बहुत अच्छा गायकार था, जो बहुत अच्छा भजन गाता था, उसकी डेथ हो गई बहुत साल पहले, मगर अब भी टी सीरीज के नाम से उसको पैसे मिलते हैं, जो टी सीरीज का नाम यूज करता है उसको पैसे मिलते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, उसके डेथ के बावजूद भी उसको एक रेंट के रूप में चीज मिल गई है उसका नाम यूज करने में, दैट इज रॉयल्टी। इसके लिए मैं और अलग से वीडियो बनाऊंगा, मगर आप जनरल सी बात सुन लीजिए कि जिसको जो अपना नाम यूज करने के बावजूद भी बाद में उसके डेथ होने के बावजूद भी अगर उसका योगदान नहीं है उसके बावजूद भी उसका नाम अगर यूज करते जा रहे हैं दैट इज रॉयल्टी, उसका जो उसको पैसा मिलता है दैट इज बेसिकली रॉयल्टी। तो ये हो गया रेंट एंड रॉयल्टी, दिस इज इंटरेस्ट एंड दिस इज प्रॉफिट। तो लास्ट वन इज मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो ये हो जाता है हमारा मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब हो गया बहुत से लोग, आप देखिए जरा मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, अपने आप को एम्प्लॉयड बनाते हैं, जैसे बहुत से व्यक्ति परचूने की दुकान खोल लेते हैं, बहुत से व्यक्ति कन्फेक्शनरी की दुकान खोल लेते हैं, तो इसका मतलब उन्होंने अपने आप को खुद रोजगार दिया है, तो ऐसे व्यक्तियों की इनकम को कहते हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अब आप ढंग से देखिएगा कोई भी चीज इसमें मिस नहीं हो रही है, नौकरी पेशे वाले लोग भी आ गए जो बिजनेस कर रहे हैं वो भी आ गए हैं, और वो व्यक्ति जो छोटा सा बिजनेस कर रहे हैं जो अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड बनाया उन्होंने वो भी आ गए हैं। बस इसमें आप एक चीज गौर करिएगा, देखिए लक बहुत अच्छा रहा है कि बहुत इजी फॉर्मूला है, हमें इसको कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगी, मगर एक चीज मैं आपको बारीकी से बताना चाहूंगा कि अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज हमें दे रखा है तो हमें इन दोनों की तरफ झांकना भी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज भी दे रखा हो और ये भी दे रखा हो, हम जल्दबाजी में दोनों ऐड कर दें तो ये हो जाएगा डबल काउंटिंग। अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दे रखा है हमें इन दोनों की तरफ झांकना नहीं है, अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज नहीं दे रखा तब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, अगर इन दोनों में सिर्फ एक चीज दे रखी है तो दूसरी चीज ही हम ऐड करेंगे, वाली चीज हम जीरो मान लेंगे, सिंपल सी चीज है। दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस अगर हमें दे रखा है तो हमें रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट की तरफ झांकना ही नहीं है, अगर नहीं दे रखा तो हमें इन सब चीजों को ऐड करनी पड़ेगी। एक पॉइंट मैंने आपको एंड के लिए रोक के रखा था कि प्रॉफिट, ये प्रॉफिट की सबसे ज्यादा बारीकी होती है, इसलिए मैंने सोचा था सबसे एंड में बताऊंगा इसको वीडियो में कि प्रॉफिट अगर हमें प्रॉफिट दे रखा है तो वेल एंड गुड, बहुत इजी है क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हमें प्रॉफिट नहीं दे रखा, यह भी हो सकता है कि हमें प्रॉफिट ना दे रखा हो,
तो प्रॉफिट के भी आगे जाके तीन पार्ट्स होते हैं, मैं यहाँ पे डीप में लिखता हूँ उसको, इधर देखिए जरा, यहाँ पे मैंने एक कॉलम सा बना लिया है प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? मुनाफा। एक बार सोचिए, प्रॉफिट सबसे पहले प्रॉफिट कटता है तीन पार्ट्स में उसको काटा जाता है। सबसे पहला पार्ट, द पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिवाइडेड विद देयर पार्टनर्स, पार्टनर्स के साथ जो डिवाइड किया जाता है, जिसको हम कहते हैं डिविडेंड। दूसरा नाम भी होता है इसका डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सबसे पहला क्या हो गया, डिविडेंड, या हम इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, प्लस द पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, जो बिजनेस में रखा जाता है दोबारा यूज करने के लिए, उसको हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग, या उसको बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, या इसको हम सेविंग्स भी बोल सकते हैं। देखिए, द पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूट, जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता उसको हमने बोल दिया अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या सेविंग्स या रिटेन्ड अर्निंग। प्लस थर्ड वन, लास्ट वन, प्रॉफिट का वो पार्ट जो हम गवर्नमेंट को भुगतान करते हैं टैक्स के रूप में, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। देखो बिल्कुल सिंपल है भाई, अगर प्रॉफिट दे रखा हो और ये भी दे रखा हो तो इनकी तरफ हमें झांकना भी नहीं है, अदरवाइज डबल काउंटिंग हो जाएगा। और अगर प्रॉफिट नहीं दे रखा होगा, ये तीन दे रखे होंगे तो तीन ऐड कर देंगे, दो दे रखा होंगे तो दो ऐड कर देंगे, एक ही दे रखा होगा तो एक ही ऐड कर देंगे, और बाकी मिक्स्ड इनकम इसका कोई पार्ट नहीं होता। और एक सैंपल के रूप में हम एक क्वेश्चन करते हैं, इधर देख लीजिए, ये एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, और क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, आप एक बार जरा फिर से इसको गौर से देख लीजिएगा, फिर मैं इसको रब करता हूँ, रब करने के बाद वही क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा। यहाँ पर आपको देखिएगा कितना सिंपल है और किस तरीके से हमें उसको काउंट करना है और किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो एक चीज ध्यान में रखिएगा कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हमें क्वेश्चन की तरफ कम देखना है, हमें अपने न्यूमेरिकल्स, हमारे जो हमारे फॉर्मूले हैं उनकी तरफ ज्यादा ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको प्रोडक्शन मेथड में भी बताया था कि क्वेश्चन कुछ भी पूछ रहा सही, कुछ भी पूछ रहा सही, अगर वो इनकम मेथड से निकालने को कह रहा है, अगर वो कह रहा है कि आपको इनकम मेथड से इसको निकालना है, तो हमें यहां पढ़ा है कि इनकम मेथड से कुछ भी पूछे सबसे पहला स्टेप क्या है, एनडीपीएफसी, हमें निकालना एनडीपीएफसी। हम डायरेक्ट एनएनपीएफसी अगर निकालने की कोशिश करेंगे, जैसे आप देख सकते हैं क्वेश्चन में दो पार्ट है, एक पार्ट में एनडीपीएफसी पूछ रहा है, दूसरे पार्ट में एनएनपीएफसी पूछ रहा है, मगर हमें तब भी निकालना पहले एनडीपीएफसी है। तो मैं इसको रब कर देता हूं और चलिए हम एक काम करते हैं, इसको रब नहीं करते हैं, थोड़ा सा मुझे मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, मैं नीचे यहाँ पर सॉल्व करता हूँ उस क्वेश्चन को। फॉर्मूला आपके सामने रखा हुआ है, आप देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। दिस इज इनकम मेथड, हमें कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग इनकम मेथड। ये हमारे पास क्वेश्चन है, सबसे पहले हमें बताया इनकम मेथड से कुछ भी पूछे सबसे पहले हमें निकालना एनडीपीएससी, वो तो लकीली इस क्वेश्चन में एनडीपीएफसी पूछ भी रहा है, तो हमें तब भी एनडीपीएफसी निकालना है और तब भी एनडीपीएफसी निकालना है। एनडीपीएफसी निकालने के लिए हम बात जानते हैं, देखो हमें ये फॉर्मूले टिप्स में होने चाहिए। सबसे पहला पार्ट है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, देखिए क्या आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दे रखा है, नहीं दे रखा, तुरंत ब्रैकेट बना लीजिए। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर क्या क्या है, वेजेस एंड सैलरीज प्लस एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। देखो वेजेस दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है, ये हो गया हमारा 10,000 प्लस वेजेस सैलरीज हो गया प्लस एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। देखो सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन अगर दे रखा है तो उसका मतलब क्या है, वो एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन है। अगर हम उस चीज को सिग्निफाई नहीं कर रहे हैं कि एम्प्लॉयज के द्वारा कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयज के द्वारा, तो हम ये मान लेते हैं कि ये कंट्रीब्यूट किया गया है एम्प्लॉयज के द्वारा। तो एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम कितना है, 400, दिस इज 400। तो ये हो गया हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का पार्ट खत्म। प्लस हम करते हैं हम ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस देखिए, ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या दे रखा है, रेंट दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। रेंट हमारा कितना है आप देख सकते हैं, रेंट इज 5,000, रेंट हो गया हमारा 5,000 प्लस इंटरेस्ट, देखो दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, इंटरेस्ट कितना है हमारा 400
इंटरेस्ट हो गया हमारा 400, रेंट इंटरेस्ट, देखो प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट नहीं दे रखा, प्रॉफिट नहीं दे रखा, इसका मतलब प्रॉफिट भी हमें निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट के तीन पार्ट होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था। सबसे पहला डिविडेंड, द पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड इज नोन एज डिविडेंड या डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, द पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इज नोन एज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या सेविंग्स या रिटेन्ड अर्निंग, और द पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच वी हैव टू मेक पेमेंट टू द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। तो आप देखिए क्या क्या दे रखा है, इसको छोटा सा ब्रैकेट और बना लेते हैं। प्रॉफिट के लिए डिविडेंड बिल्कुल दे रखा है, डिविडेंड इज 3000 प्लस 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 अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है 200। हम देख सकते हैं कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स नहीं दे रखा, तो हम उसको जीरो मान लेंगे, लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो हमने सारा यूज कर लिया, बिल्कुल कर लिया यूज, ये हमारा हो गया ब्रैकेट क्लोज और ये हो गया हमारा बड़ा ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो गया हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम देखो दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। मिक्स्ड इनकम का मतलब हो गया मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, इसका मतलब है वो कितना दे रखा है हमें 400। अब हम इस सबको ऐड कर लेते हैं, 10,000 दिस इज 10,000, 15,000, 16,17, 18,000, 19,400, बिल्कुल ठीक है 19,400। ये हो गया हमारा रुपीज, दैट इज इन करोड़, यूनिट लिखना मत भूलना क्योंकि यूनिट हमें करोड़ पे दे रखी है। तो ये हो गया हमारा NDBFC जिसको हम कहते हैं डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल्स टू 19,400। अब दूसरा पार्ट क्वेश्चन का पूछ रहा है NNPFC। NNPFC का मतलब क्या होता है, नेशनल इनकम। हम सब जानते हैं कि NNPFC का मतलब होता है नेशनल इनकम। अब NNPFC निकालेंगे हम, ये देखिए दिस इज NNPFC। NNPFC कैसे निकालते हैं, हम कन्वर्जन जानते हैं, NDBFC में से हम ऐड कर देते हैं NFI, हम NFI ऐड कर देते हैं और हम देख सकते हैं कि यहां पर NFI नहीं दे रखा है, यहां पर NFI हमारा नहीं दे रखा है। NDBFC NDBFC हमारा कितना है 19,400 प्लस NFI हम देख सकते हैं 5, 7, 4 NFI हमें नहीं दे रखा है। आपको याद होगा मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, अगर NFI हमें नहीं दे रखा हो या कुछ भी चीज हमें नहीं दे रखी हो, डेप्रिसिएशन नहीं दे रखी हो, तो हम ये मान लेते हैं वो जीरो होता है। तो NNPFC भी हमारा 19,400 निकल गया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व और मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी है। फॉर्मूले बस हमें टिप्स पर रखने हैं और कुछ नहीं करना। क्वेश्चन में अगर वो चीज दे रखी हो तो वेल एंड गुड, क्वेश्चन में नहीं दे रखी हो तो हम उसको जीरो मान लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये मैंने दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, हल्का सा उससे थोड़ा लेंथी है क्वेश्चन ये, कि इसमें इनकम मेथड से व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, दैट इज GNP MP। अब क्योंकि मैं इससे ज्यादा बैंड नहीं हो सकता, मैं ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकता, थोड़ा सा हल्का सा क्वेश्चन बड़ा है तो मुझे ये रब करना होगा। देखो फॉर्मूले आपके पास पहुंच जाएंगे और अब मैं इसको रब कर देता हूँ, बस फॉर्मूले ध्यान में रखना, फॉर्मूले हमें देख के सॉल्व नहीं करना, पहले हमें फॉर्मूले इसको लर्न करना है, टिप्स पे रखना है, तभी ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। मैं इसको रब कर देता हूँ, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन सॉल्व करवाने को कह रहा है GNP MP। जैसे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि क्वेश्चन कुछ भी पूछे, सबसे पहले अगर इनकम मेथड है तो हमें अपना पहला स्टेप निकालना है। हमारा पहला स्टेप क्या है, हमारा पहला स्टेप है NDBFC। NDBFC कैसे निकालेंगे, वही तीन कंपोनेंट है। सबसे पहला आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, देखिए क्या यहां पे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दे रखा है, देखिए ऊपर से नीचे
कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज बिल्कुल नहीं दे रखा। अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज नहीं दे रखा है तो हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज बनाना है। कैसे बनाएंगे? वेजेस एंड सैलरीज और आप देखिए दिस इज एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। वेजेस एंड सैलरीज इज 1000 एंड एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन इज 250। तो हमारा दिस इज 1000 प्लस 250, ये हमारा हो जाता है आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। प्लस हमें बनाना है ऑपरेटिंग सरप्लस। आप देखिए क्या यहाँ पे ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है, यहाँ पे ऑपरेटिंग सरप्लस भी नहीं दे रखा। इसका मतलब क्या है? ऑपरेटिंग सरप्लस भी हमें बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? रेंट एंड रॉयल्टी कहीं देखो दे रखा है, रेंट दे रखा है 200, रॉयल्टी भी कहीं दे रखी है, रॉयल्टी नहीं दे रखी है, तो रेंट हम ऐड कर देंगे 200। रेंट इंटरेस्ट देखिए हमें कहीं दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज रुपीज 100, ये हो गया इंटरेस्ट 100। प्लस प्रॉफिट देखिए कहीं दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, ये दे रखा है प्रॉफिट। अब आप एक चीज गौर करिए, प्रॉफिट अगर नहीं दे रखा होता तो हमें क्या क्या ऐड करना पड़ता? डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। जो यहाँ पर डिविडेंड भी दे रखा है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी दे रखा है। जल्दबाजी में क्वेश्चंस हम सॉल्व करने के चक्कर में स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, हम इसको भी ऐड कर देते हैं और इसको भी ऐड कर देते हैं। वंस यू आर गिविंग प्रॉफिट, हमें इस दोनों चीजों से कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी 300 रुपए की फिगर और 200 रुपए की फिगर, ये प्रॉफिट के 600 रुपए में फिगर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे तो ये डबल काउंटिंग हो जाएगा। तो हमें सिर्फ प्रॉफिट में ध्यान रखना है, इन दोनों की तरफ हमें देखना भी नहीं। प्रॉफिट हमारा ये हो गया, प्रॉफिट हमारा कितना है 600, ये हो गया हमारा प्रॉफिट 600। तो ये हो गया हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस। अब आप देखिए क्या मिक्स इनकम भी दे रखा है, मिक्स इनकम बिल्कुल दे रखा है। मिक्स इनकम हमें दे रखा है 200, यहाँ पे हमारा आ गया मिक्स इनकम 200। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, दिस इज 1250 प्लस 700, दिस इज 900 प्लस 200, 1250 प्लस 1100, अब इसको हम ऐड कर देते हैं, दिस इज 2350, ये हो गया हमारा NDPS। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? GNPA। अब आप सब लोग जानते हो कि कन्वर्जन के लिए मैंने आपको दो वीडियोस बना रखी हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं, और मैंने आपको पहले ही बनाया था। अगर हमें कन्वर्जन करना नहीं आता तो हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए मैंने आपको पहले कन्वर्जन पे फोकस करवाया था ये मेथड शुरू करने से पहले। तो कन्वर्जन आई हो आप अपने आप ही कर लेंगे, मगर मैं आपको करके दिखाता हूं। हमारे पास अभी हमने फॉर्मूला यूज करके हमने निकाला क्या है, हमने निकाला है NDPFC। NDPFC के बाद हमें कन्वर्ट क्या करना है? GNPA। कैसे हम कन्वर्ट करेंगे हम जानते हैं। आप देखिए यहाँ पे नेट दे रखा है, नेट को हमें ग्रॉस करना है, तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। देखो चाहे कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल लिखा हो या डेप्रिसिएशन लिखा हो, बात एक होती है। तो यहाँ पे मैं डेप्रिसिएशन वर्ड यूज नहीं करता, मैं यहाँ पर कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल वर्ड यूज करता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है, कोई बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए। यहाँ पे मैंने लिख दिया कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। उसके बाद देखिए यहाँ डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक का हमें नेशनल बनाना है। डोमेस्टिक का नेशनल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? NFIA। NFIA का मतलब क्या हो गया? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA। अब FC को हम MP बनाने के लिए, मैंने आपको बार बार बताया था कि FC को MP बनाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस सब कॉमोडिटीज में एड होता है, दिस इज NIT विच इज नोन एज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। बस वैल्यूएशन कर लेते हैं, NDPFC हमारा हो गया 2350, डेप्रिसिएशन दैट इज कंसेप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल हमें कितना दे रखा है 50, NFIA देखिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना दे रखा है हमें -50। हमें यहां पे करना ऐड है मगर वो माइनस में दे रखा है, तो हम ब्रैकेट में यहां पे -50 कर लेंगे। प्लस NIT मींस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें कितना दे रखा है 20। बस इनको टोटल कर लीजिए, ये 50 प्लस का हो गया, 50 माइनस का हो गया, आप उसमें कट जाएंगे, 20 इसमें ऐड कर लीजिए वैल्यू, तो ये हो जाएगी हमारी 2370। तो दिस इज 2370 करोड़ हमारा हो गया GNPMP। देखिए कितना सिंपल है क्वेश्चन सॉल्व करना। वंस
यू आर गोइंग थ्रू विद फॉर्मूलाज, आपको फॉर्मूला बिल्कुल टिप्स पे है, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व करना आपको एक डेढ़ मिनट से ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगेगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपने दोनों क्वेश्चन बड़े ईजिली तरीके से समझ लिए होंगे। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा टफर वन क्वेश्चन निकालूंगा और आपके सामने सॉल्व करूंगा, और मैं लगता है मुझे कि मैं आप मेरी इस वीडियो के द्वारा आप अपने बुक्स में से क्वेश्चन नोट करेंगे और सॉल्व आसानी से कर पाएंगे। थैंक यू।